हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते माय ऑल यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पे देखिए, मेरा सुबह का काम हो चुका है शुरू। तो मैं सुबह उठते ही आज लग गई हूँ बेड को सही करने में, क्योंकि सब कोई उठ गए थे ना। तो बस सोची कि बेड शीट सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद दूसरे कामों में लग जाऊँगी। तो आज सुबह से ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और बस बेड शीट को क्लीन करके मतलब बिछा लेती हूँ। उसके बाद से फिर मैं घर में साफ़ सफाई, घर की साफ़ सफाई में लग जाऊंगी। और आप लोग इतना प्यार देते हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है फैमिली, मैं क्या बताऊँ। इतना ज़्यादा मुझे खुशी होती है ना आप लोगों का कमेंट पढ़ के, इतना मैं खुश होती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। एक वक्त था कि मैं अकेला फील करके हमेशा दुखित रहती थी, लेकिन अब आप लोग के वजह से मैं इतना खुश रहती हूँ। मैं आप लोगों का जितना शुक्रिया करूँ बहुत ही कम है। और देखिए, सुबह में ना मतलब बेडशीट बिछाने के बाद ना पूरे घरों में मैं झाड़ू दे दी थी और उसके बाद लग गई हूँ पोछा करने के लिए। तो पूरा घरों में मैं पोछा भी लगा लेती हूँ, तो डेली का मेरा पोछा लगाने का है ही। और अगर एक दिन नहीं लगाऊंगी तो बस मुझे डांट तो पड़ना है। तो अगर वैसे भी कभी तबीयत वबीयत इतना ठीक नहीं लगता है ना, तभी मैं नहीं लगाती हूँ, उसमें भी मुझे डांट पड़ जाती है। लेकिन ना मैं सोची कि चलो लगा लेती हूँ आज। तो बस यहाँ पे पोछा लगाने के बाद आ गई थी किचन में, तो किचन का भी थोड़ा सा सोची कि सफाई कर लेती हूँ। सब्जी वगैरह बनाती हूँ ना, तो पूरा ही मसाला जो है ना वो छटक छटक के इसमें दीवार पर पूरा ही वॉलपेपर पर चिपक जाता है ना, तो बिल्कुल देखने में अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो रोज़ ही सफाई तो रोज़ करती ही हूँ और रोज़ ही बहुत ज़्यादा एकदम गंदा हो जाता है, तो रोज़ ही मुझे क्लीन भी करना पड़ता है। और मैं ना आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ फैमिली। एक मतलब मेरे यूट्यूबर बहन है जो काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है, बहुत ही दुखदाई उसकी स्टोरी है। मैं जब जानी, जब मुझे पता चला, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ कि आज के ज़माने में भी इंसान कितने अपने बहू बेटियों को दुख देते हैं। बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और मैं आप लोगों से आज उस चीज़ के बारे में बात करूंगी। तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और यहाँ पे देख लीजिए, पहले मेरी बेटी ब्रश कर रही है, तो इसका न्यू ब्रश आ गया था तो ब्रश कर रही है। तो YouTube की एक बहन है जो मेरे से बहुत ही रिक्वेस्ट करी, तो मैंने उससे बात की थी, तो वो बहुत ही पता है दुखी थी और बहुत मेरे पास रोने लगी। और यहाँ पे देखिए, मेरे घर पे ना सुबह सुबह एक चिड़िया लड़ाई कर रही थी, तो मैं सोची कि चलो इस क्लिप को भी शूट कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी बना रहे थे चाय, क्योंकि इस वक्त मैं नहा रही थी और बहुत सारे कपड़े थे वो धो रही थी इसीलिए। और पता है फैमिली, बहुत ही ज़्यादा उसका कहानी सुन के ना मुझे दुख हुआ। तो उसको बस ना एक बाबू नहीं है ना, तो उसके फैमिली मतलब उसके ससुराल वाले जो है ना, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से पेश आते हैं। और उसको ना घर से बेघर करने का भी, वो मतलब घर से आप उसको निकालने का भी धमकी मिल चुका है। कि हर औरत का शौक होता है, माँ बनने का सपना होता है, लेकिन ये तो अपने हाथों पे नहीं है, तो भगवान के हाथों में है। मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ उसकी बात सुनकर, इसलिए मैं सोची कि आप लोगों से शेयर करना तो ज़रूर बनता है। तो बताओ आप लोग, क्या सच में ऐसा होना चाहिए? और एक बच्चे को जन्म देना मतलब अपने तो हाथों में नहीं होता है, उससे भी कई गुना ज़्यादा भगवान के हाथों पर होता है। और उस मतलब बेचारी को एक भी मतलब बच्चा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। उसकी शादी को 10 साल हो चुकी है और मुझे ना ये जान के बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और बस यही बात को लेके उसके ससुराल वाले ना उसको घर से मतलब निकाल दिया। बताओ, एक तो ऐसे ही बेचारी इतना दुखी है और उसके साथ इतना बड़ा अत्याचार उसके परिवार वाले कर रहे हैं, तो कितने आज के ज़माने में भी कितने बुरे लोग होते हैं। और वो तो कोई तो नहीं चाहता है ना कि मैं माँ नहीं बनूँ। हर लेडी शादी के बाद सपना होता है कि मेरे भी एक नन्हा सा बच्चा हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, मस्ती करूँ। लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो उसमें उसका क्या दोष है? और मेरा सुबह का पूजा पाठ हो गया था, तो यहाँ पे जितने कपड़े धो के रखे थे ना, उस कपड़े को आ गई थी छत पे देने के लिए। और यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा देर पहले ही पूजा की थी, तो यहाँ पे तुलसी का पेड़ था, तो यहीं पे मैं पूजा करी। और यहाँ पे देखिए, बाबू अगरबत्ती निकाल कर बस इसको दिखाने लगी ऐसे, बहुत ही ये बदमाशी कर रही थी। फिर इसको बोले कि यहाँ पे लगा, हम तो इधर
और देखिए ये प्रणाम कर रही है। मॉर्निंग नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और अभी थोड़ा सा सुबह का काम कंप्लीट हुआ है और अभी किचन का काम बहुत ही बाकी है। और यहाँ पर मेरी बेटी को देखिए क्या कर रही है। हाय कर दो। ये देखिए बदमाश थी। हाय, छत पे बैठी हूँ तो इसलिए सोची कि थोड़ा सा वीडियो शूट करूँ। यहाँ पे कोई था इसलिए ना मैं सर पे पल्लू रखती हूँ। आराध्या इधर देखो, इधर देखो ना। और कपड़ा देने के बाद देखिए यहाँ पे बाबू के साथ बैठ गई थी। धूप में नहाने के बाद ना थोड़ा ठंड लग रहा था, इसलिए ना थोड़ी सी सोची क्या चलो काम तो होते रहेगा, थोड़ा सा धूप में भी बैठ जाऊँ। और देखिए बाबू के साथ यह कितना मस्ती कर रहे थे। और फिर मस्ती करते हुए आ गई थी किचन में। तो पता है कल जो मैं ना छोले भटूरे बनाई थी तो थोड़ा सा ज़्यादा मैंने भटूरे का आटा लगाया था, तो सोची कि रात में भी हो जाएगा, मैं रख दूँगी आटा जो सुबह में जितना बना था, जितना सोची कि इतना खाया हुआ हो जाएगा इतना में, तो इसलिए ना मैं उतना ही बनाई और उसके बाद ना तो रख दी। लेकिन रात में ना मेरी सासू माँ का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था ना, जिसके वजह से मैं नहीं बनाई। तो फिर उसके बाद ना आज सुबह में मैं आटा जो था ना फ्रिज में रख दी थी। और अभी ठंड का मौसम है ना तो ख़राब होने के जो चांस होते हैं वो बहुत कम रहते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, तो इसलिए ना मैं फ्रिज में रख दी थी। और फिर उसी भटूरे का आटा आज मैं सुबह में बना रही हूँ, तो सोची कि चलो वेस्ट करने से क्या फ़ायदा है, चलो बना लेती हूँ तो सब कोई खा लेंगे। और इसका स्वाद बिल्कुल भी नहीं बदला था, बनने के बाद अच्छा ही लग रहा था। फिर यहाँ पे देखिए बना रही थी बस, और सब्जी एक तरफ मैं गरम कर देती हूँ, बस गरम गरम ही बना के सबको दे देती हूँ। और उस बहन का ना सच में बहुत ही दुख भरी कहानी है, पता है जब मैं उसकी बात सुनी उसकी आवाज़ों में वो दर्द था ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख हुआ उस बात को लेके। इसलिए ना मैं सोची आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। ये तो भगवान ने इसको इतना बड़ा दुख अलग ही दिया, फिर उसके ससुराल वाले भी उतना जुल्म करते हैं उसके ऊपर, तो क्या बीतती होगी उस पर, भगवान ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। और उसका फैमिली को उसको उसका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उसकी फैमिली और ही ज़्यादा उसका अत्याचार करती है, यहाँ तक कि उसको घर से भी निकालने का धमकी दे दिया है। बताओ बेचारी औरत कहाँ जाएगी, मायके में भी जाके मुंह नहीं छुपा सकती है, मायके भी तो कुछ दिनों तक ही होता है। बहुत ही ज़्यादा मुझे, मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख हुआ। आप लोग उसके बारे में ज़रूर कुछ लिखना, क्या सच में ऐसा होना चाहिए, क्या अगर हम औरत हो के एक औरत का दुख ना जान सके तो औरत होना ही बेकार है। मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ फैमिली। और देखिए यहाँ पे बातों में मेरे बन के रेडी थे, तो मैं सोची चलो नाश्ता, तो यहाँ पे ना मैं थाली में निकाल ली थी और एक सासू माँ को दे आई। फिर हम लोग भी यहाँ पे नाश्ता कर रहे थे, तो ये नाश्ता करके जल्दी से बाहर चले जाएंगे, फिर मैं घर में ही घर के कामों में लग जाऊँगी। और आप लोग भी मेरे साथ साथ नाश्ता कर लीजिए। हेलो फैमिली, और अभी जाके सारा काम मेरा हुआ है ख़त्म। और अभी जितना भी मतलब सुबह का नाश्ता करने के बाद बर्तन धो लिए हैं, और यहाँ पे देखिए धूप में बैठे हैं, पता नहीं अजीब सा मन कर रहा था, चक्कर सा लग रहा है, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है और बोलने तक का मन नहीं कर रहा है। इसलिए ना ये तो देखिए इसको भी रेडी कर दिए थे, ये देखिए, और इसको बस बालू मिट्टी यही सब खाना है, खाना तो इसको खाना ही नहीं है, बिल्कुल बदमाशी करने लगी है। ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और बस मिलती हूँ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, अपने फैमिली को खुश रखिए, और मैं क्या बोलूँ, और सच में मैं बिल्कुल आज बोलने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं अजीब सा, अभी ठंडा गर्म वाला मौसम होते जा रहा है ना, कभी धूप कभी बहुत ठंड लगता है, इसीलिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय। मैं ऑल यूट्यूब फैमिली।